तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने साइकिल के लिए एक हॉर्न बनाना चाहते हैं? बट ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होगा। एंड फ्रीक्वेंसी आप इजीली जनरेट कर सकते हो ट्रांजिस्टर लगाकर। बट इस वीडियो में एक अलग ही नया जुगाड़ लेके आया हो, जिससे आप फ्रीक्वेंसी तो जनरेट करोगे ही, साथ में उसके आउटपुट में पावर भी काफी मस्त मिलेगा। तो जहां आप ट्रांजिस्टर यूज करते हो तो वो हीट होने लगते हैं, जबकि ये वाला जो आइडिया है ना, ये हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। बट फिर भी इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जो मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूंगा। पहले हम यहाँ पर लेंगे एक डीसी मोटर, आप छोटा हो या बड़ा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है, हम यहाँ पर जो है गम लगा दे रहे हैं इसके एक साइड। आप चाहे तो इंस्टेंट ग्लू का ही यूज कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर वर्क करेगा। इसके बाद क्या करना है, तो बस इसको सुखा देना है। इंस्टेंट ग्लू होगा तो 2-4 मिनट में सूख जाएगा। एंड मैंने यहाँ पे गम यूज किया है, तो पूरे दिन धूप में रख दूंगा। एंड मैंने इस बार पहले ही वायर्स कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी ना तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। मोटर के भी वायर्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर करने क्या है कि जो एक स्पीकर का वायर है, वो आपको किसी भी एक बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। एंड इसके बाद जो दूसरा वायर है, उसको जो है आपके मोटर के शाफ्ट के पास सटाना है, जहाँ पे आपने गम लगाया था, उसी पॉइंट पे सटाना है। थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। कर तो दिया, अब स्पीकर कहाँ बज रहा है, बजा के दिखा स्पीकर दम है तो। बजा कि नहीं? वीडियो का मेन पार्ट ही छोड़ दोगे तो यार तुम्हारा वर्क कैसे करेगा? एंड उल्टे सीधे कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो ऐसे कंटेंट्स कौन ही प्रोवाइड करेगा आज के टाइम पे? 10-10 मिनट की वीडियो देखो फिर भी कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। बट आपको यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? आप ही का तो फायदा है, हर रोज आपको इस तरीके के वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो ये देख लो, समझे मेरा मतलब क्या था यहाँ पे गम चिपकाने का, ताकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सके। एंड जहाँ पे गम नहीं था, अगर वहाँ पे मैं वायर को टच करवाता हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है। एंड शायद अभी भी बहुत लोगों को यकीन ना हुआ हो, तो मैं वहाँ पे वायर रख दिया हूँ उसकी स्पीकर के ऊपर ना, तो हिले तो चेक कर लेना। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आउटपुट में हमें हाई पावर देखने को मिलेगा। एंड छोटा सा डिसएडवांटेज है, वो ये कि मोटर जो है बैटरी का पावर कंज्यूम करेगा।